नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजिक पर। आज का जो ये वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MBBSC ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग जो MPA DPO की एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर 2021 को होने वाली है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज से आपके पास उसके लिए लगभग 145 डेज़ हैं, लगभग 145 दिन जो हैं वो आपके पास हैं एग्ज़ाम तक के लिए। अगर आप यह सोचते हैं कि यह बहुत सारा समय है, हम आसानी से बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में इसके लिए तैयारी कर लेंगे, अभी गैप दे देते हैं, तो यह गलत स्टेप होगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम वन टाइम में अगर आपको निकालनी है तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतना जो टाइम आपको मिला है इसमें आप आसानी से जो आपके 28 सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ और इसके साथ ही जो GS वाला पार्ट है उसे पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए शेड्यूल बनाइए कि जो 28 सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे पढ़ना है। अगर आप उसको एक स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं, जैसे कि जो 25 माइनर्स हैं उसके साथ साथ जो है जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसको एक सब्जेक्ट को पैरेलल चलाइए, तो आपके 2 to 3 मंथ्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से हो जाएंगे। और इसके साथ ही इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसके जो MCQ हैं वो ज़रूर लगाएं। इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको आसानी से क्लियर होंगे। और इसके साथ ही GS वाला जो पार्ट है उसको आप लाइट में न लें, क्योंकि जो GS वाला पार्ट है वही आपकी मेरिट में हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए जो टाइम मिला है उसमें GS को रोज़ रीड कीजिए, जो करंट अफेयर्स अभी रेगुलर जो आ रहे हैं उसको रीड कीजिए, न्यूज़पेपर जो रोज के हैं वो रीड कीजिए, क्योंकि जैसा कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है तो आपको जो 15 नवंबर तक का जो डेटा है वो आपको कलेक्ट करके रखना है। जो भी एक्सक्लूसिव डेटा आता है, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ आती है उसको पढ़ते रहिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम का रहे तब आप उसको, आपके पास अगर कहीं नोट डाउन रहेगा तो आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगे और वह आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम टाइम पे। क्योंकि हम एग्ज़ाम टाइम पे कितनी भी मैगजीन्स जो हैं पढ़ लें, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ लें, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है पढ़ने को। लेकिन अगर आप इन मंथ्स के अंदर जो 3 महीने आपको मिले हैं इसमें यदि आप जो जितनी भी अभी जो समसामयिक घटनाएं हैं अगर आप उसको एक अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि GS को भी उतनी ही प्रायोरिटी दें जितनी आप लॉ को दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिलके आपकी मेरिट जो है तय करने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए अभी से आप अपना शेड्यूल बनाइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, और बिल्कुल भी अपनी जो स्टडी जो आप कंटिन्यू करते आ रहे थे अभी तक उसे मत छोड़िएगा। क्योंकि अगर आप इसमें ब्रेक करते हैं तो बाद में जब एग्ज़ाम नियर होगी, जब पास में होगी, तब हम यह नहीं निश्चित कर पाएंगे कि हमें कितने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, और ऐसे में हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं और वही हमको वहाँ पर जब एग्ज़ाम होता है तो वही हमारे लिए वहाँ पर एक जो है लॉस का कारण साबित हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए और अपनी पूरी मेहनत कीजिए, कारण कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ये बहुत सही टाइम पीरियड मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम के अंदर जो पोस्ट हैं वो भी बढ़ने के चांसेस हैं, इसलिए तैयारी मत छोड़िएगा। ये जो मौका है ये बहुत अच्छा मौका है। और कोई अगर आपको डाउट आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसके वीडियोस भी हम जल्द लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।